नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि सिकमी खतियान में जो मकानमय सहन लिखा रहता है उसका क्या अर्थ है। मकानमय सहन का लिखा होना इस बात को दर्शाता है कि पूर्व जमींदार द्वारा किसी व्यक्ति को बसाया गया जमीन पर और सरकार द्वारा सर्वे अभियान चलाया गया, तो सर्वे के दरमियान में जो व्यक्ति जिस भूमि पर बसे हुए थे उनके नाम से खतियान खुल गया, उसके नाम से खाता खुल गया और यही खाता मकानमय सहन सिकमी कहलाया। तो मकानमय सहन सिकमी जो व्यक्ति जिस जमीन पर बसे हुए थे, जितने एरिया में बसे हुए थे, तो उनके नाम से जो खतियान खुला उसमें सारी बातें दर्शाई हुई थी। अब उनके नाम से जब सिकमी खतियान खुल गया तो इस भूमि का वह पूर्ण स्वामी बन गया, इस पर पूर्व जमींदार का कोई हक नहीं रह गया। हाँ, ऐसा हुआ कि मजदूर वर्ग द्वारा या सर्वे अधिकारी द्वारा कहीं कहीं इस संदर्भ में धांधली भी की गई और रिश्वत लेकर कहिए या उनके मेल में आकर जमींदार के साथ धोखाधड़ी भी किया गया और ऐसे व्यक्ति के नाम से मकान में सिकमी खतियान दर्ज कर दिया गया जिसका कि कोई नामो निशान नहीं था, अर्थात फर्जी तरीके से कर दिया गया। खैर, वह इस तरह का जो खतियान है वह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है, न्यायालय में इस पर मुकदमा चल रहा है। और जहाँ तक मकान में सिकमी खतियान की बात है तो इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सिकमीदार का पूर्ण हक होता है और सिकमीदार जब गुजर जाते हैं तो उनके जो वारिसान हैं उनका भी इस तरह की भूमि पर पूर्ण अधिकार है। इस तरह की भूमि जमींदार द्वारा यदि खरीद बिक्री की जाती है तो यह कानून सम्मत नहीं होता है और यदि कोई व्यक्ति नाजायज़ तरीके से इस तरह की भूमि जमीन मालिक से, पूर्व जमीन मालिक से खरीद लेते हैं तो यह भी कानून सम्मत नहीं होता है। वह झमेले में पड़ सकते हैं, यह विवाद का विषय हो सकता है और वह मामला मुकदमा में फंस सकते हैं। तो आगे मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो भूमि है, जिस सिकमी खतियान में, जिस पेपर में मकानमय सहन लिखा हुआ है, इस तरह की भूमि का खरीद फरोख्त करना पूर्णतः जायज नहीं होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे लोग झमेले में फंस सकते हैं और उन्हें हक प्राप्त करना उनके लिए काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारी सेकंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह, इस तरह की वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।